सच होता है कड़वा, देता है जोर का झटका, और इस झटके को सहने के लिए चाहिए होता है बड़ा दिल गुर्दा। लेकिन भारत के पास इतनी हिम्मत कहाँ कि सच सह सके। जैसी है सरकार वैसा ही है भारतीय मीडिया, अपनी जनता को तस्वीर का एक ही रुख दिखाया। तेज और एबीपी के मुश्तरका टाकरे से भारत मुखालिफ हिस्सा उड़नछू हो गया, लेकिन तेज की उड़ान ने वो हिस्सा दबोच लिया। प्रोग्राम के शुरू में पाकिस्तानी मेजबान अहमद कुरैशी ने भारतीयों की दरअंदाजी का भांडा फोड़ा कि 1950 में ऑर्गेनाइज्ड नॉन स्टेट एक्टर्स को दहशतगर्दी में शामिल करना, ये पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात के दरमियान में लाना नॉन स्टेट एक्टर्स को, ये काम अनफॉर्चुनेटली भारत ने शुरू किया अफगानिस्तान में, लेकिन एबीपी ने ये हिस्सा प्रोग्राम से निकाल दिया। शेख साहब यहां पे अभी सार मैं इंटरव्यून कर रहा हूं, हमने एक ब्रेक लेनी है, हम एक ब्रेक लेते हैं और वापस आके एक थोड़ी सी तारीख में करेक्शन करनी है। नॉन स्टेट एक्टर दहशतगर्दी जो है वो कहां शुरू हुई थी, किसने शुरू की थी? आपने 1980 और जनरल जिया का जिक्र किया था। इस तो एबीपी न्यूज और जियो नेटवर्क के सौजन्य से आप देख रहे हैं ये शाहकार। फिर अहमद कुरैशी ने भारतीय मीडिया के पाकिस्तान मुखालिफ क्लिप्स दिखाए। इसे भी एबीपी ने प्रोग्राम से निकाल दिया। प्रोग्राम के 36वें मिनट में जब साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और मनमोहन सिंह की शर्मुल शेख में मुलाकात का जिक्र हुआ, तो अहमद कुरैशी ने बताया कि इस मुलाकात में भारतीय सिफारतकारों की दहशतगर्दों से मुलाकात की तस्वीरें दिखाई गयी। शर्म शेख के अंदर जो मुलाकात हुई थी, मनमोहन सिंह साहब थे और हमारे वजीर आजम साहब थे, गिलानी साहब थे, जो उसमें तस्वीरें जो मीडिया में रिपोर्ट्स आई कि पिक्चर्स दिखाई गई हैं भारतीय कुछ सिफारतकार जो काबुल में मौजूद थे उनकी मुलाकातें कुछ दहशतगर्दों के साथ अफगानिस्तान में, वो दहशतगर्द जो बलूचिस्तान में एक्टिव हैं। एबीपी ने इस बात को भी गोल कर दिया। मेरी बात सुने, ऑफिशियल की जरूरत नहीं है। मनमोहन सिंह ने खुद माना शर्मुल शेख में कि हम बलूचिस्तान के मसले में देखेंगे। इसके बाद 51वें मिनट पर एयर मार्शल शाहिद लतीफ ने एक एफिडेविट का जिक्र किया जिसमें भारत के सारे करतूत सामने आ गए। आपके यहाँ एक एफिडेविट सबमिट हुआ पिछले दिनों, और बहुत जिम्मेदार अफसरान है इंटीरियर मिनिस्ट्री के जिनके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, इनसाइड इंफॉर्मेशन ऑफ दी ऑपरेशंस कंडक्टेड बाय योर एजेंसीज। उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए, वो पार्लियामेंट अटैक, वो बॉम्बे अटैक, वो समझौता एक्सप्रेस की सारी डिटेल्स, वो जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस आप करते रहे, वो सबके बारे में उसके अंदर हकायक मौजूद हैं। आपने उसके ऊपर पर्दा डाल दिया, मीडिया ने उसको बिल्कुल बेनकाब नहीं किया, कोई उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। आपकी सारा क्रिटिसिज्म जो है उसके जवाबात उसके अंदर हैं। मुझे एक बात का जवाब चाहिए, अफजल गुरु आपका हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दी डेमोक्रेसी जिसके बारे में आप कहते हैं दुनिया की बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन इस कड़वे सच को दिखाने में भी डंडी मार दी गई। उसके बारे में कोई चीज साबित नहीं हुई। आपके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके बारे में कोई सबूत नहीं मिला, इसको फांसी लगाई जाए क्योंकि भारत के लोगों की ये फीलिंग्स हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बाबरी मस्जिद का जिक्र आया तो भारतीय पैनलिस्ट ने कहा कि ये हमारा दाखिली मसला है। जवाब में जफर हिलाली ने नेहरू और लियाकत अली खान के बीच हुए मुआहदे का जिक्र किया। हमारा इंटरनल मामला है, बाबरी मस्जिद हमारा इंटरनल मामला है। अब नाउ यू आर ऑन द राइट ट्रैक है मार्शल। देखिए भारत के मुसलमान हमारा इंटरनल मामला है, कृपया उसमें दखल ना दें। अब आपको बात समझ आई? नहीं नहीं, उससे बिल्कुल इंटरनल मामला है, ये बिल्कुल इंटरनल मामला है। अच्छा आपको हर मामले में मिस इंटरप्रेट, पहली बात है। नहीं नहीं नहीं, ठहरिए मैं बताता हूँ। एक अग्रीमेंट हुआ था लियाकत अली खान और नेहरू के दरमियान, बात कर रहे हो आप उनके, लियाकत अली खान और नेहरू के दरमियान एक मुआयदा हुआ था जिसमें दोनों मुल्कों ने अग्री किया था कि द कंडीशन ऑफ द माइनॉरिटीज इन द टू स्टेट्स दैट वर सेट अप आफ्टर पार्टीशन इज समथिंग द अदर स्टेट इज जस्टली इंटरेस्टेड इन। इन अदर वर्ड्स, जिस किस्म का ट्रीटमेंट हिंदुओं के साथ अगर इधर हो तो हिंदुस्तान का हक बनता है कहने अंडर द माइनॉरिटीज अग्रीमेंट उनके साथ सलूक सही हो, गलत हुआ, और जिस तरीके से मुसलमानों के साथ होता है। लेकिन भारतीय मीडिया ये सच भी ना दिखा सका।
हिंदुस्तान की एक मस्जिद में आप बता दें राशिद साहब गोली चली हो इमी मस्जिद साहब, ये फसाद हमारा मसला है, खुदा के वास्ते इसको बुनियाद बना करके हिंदुस्तान पर हमला करके हिंदुस्तानी मुसलमानों को इस मुसीबत में डालने की कोशिश मत कीजिए। और आखिर में एक बार फिर एयर मार्शल शाहिद लतीफ ने भारतीय आर्मी चीफ का भाना फोड़ा। मेरे जितने सवाल थे वो नहीं, वो मेरे नहीं चाहिए। जितने सवाल थे उसका आपने एक अच्छा। भी जवाब नहीं दिया। मैंने एफिडेविट के बारे में बात की, मैंने कहा कि आपके एक्स आर्मी चीफ ने बयान दिया, आप उसकी प्लीज जवाब दीजिए कि आपके एक्स आर्मी चीफ ने कहा कि हमने पाकिस्तान के अंदर खुफिया ऑपरेशन करवाए, फिर आप हमें कहते हैं दहशतगर्द। ये सच भी भारतीयों से हजम ना हुआ। ये तो वही बात हुई कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, ये है दूसरों को नसीहत और खुद मियां फसीहत बनने भारतीय मीडिया का असल चेहरा।